अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपकी, आपके बच्चों की सेहत, इज़्ज़त, ईमान में अपने खैर बरकत अता फरमाए, आमीन। और ये देखिए, हम निकले हुए हैं घर से बाहर, तो बस हफ्सा की आज एक और ख्वाहिश पूरी हो गई। तो हफ्सा की बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं रेड बस में बैठूँ। आप तो बहुत बैठती है, अब भी बैठती, मैं नहीं बैठी हूँ। तो बस मरियम हफ्सा निकलती नहीं घर से, अमूमन स्कूल ट्यूशन इसी सब में रहती है। तो आज मैंने बोला चलो मेरे साथ, तो हम जा रहे हैं दवा लाने। और बहुत दूर अपने घर से, मैं बहुत दूर जाती, मतलब लियाकताबाद से बारादरी बहुत दूर है। तो अकेले तो खैर मैं जाऊंगी नहीं, हम आदि लेके जाता है। तो आज मैंने बोला चलो इसको रेड बस जो है ना इस साइड पे चलती है, तो मैंने बोला चलो तुम्हें थोड़ा चलना, थोड़ा तो नहीं मतलब अच्छा खासा चलना पड़ा। खैर मौसम बहुत, कराची का इस टाइम बहुत हसीन मौसम हो रहा है, तो कुछ एहसास नहीं है कि मेरे पैर में दर्द है ऑलरेडी पहले ही से, तो वो अलग बात है, मगर बहुत अच्छा मौसम। दवा लिया हमने और हफ्सा के तासरात तो आप देख ही रहे हैं, माशाल्लाह कितनी खुश है। हफ्सा इधर बताओ, कैसा लगा तुम्हें रेड बस सर्विस पे चढ़ के? मेरा फर्स्ट टाइम था इसलिए मुझे बहुत मज़ा आया। ऐसा लगा था एरोप्लेन में मैं उड़ रही हूँ, और सब कुछ ऑटोमेटिक था, एसी चल रहा था और ड्राइवर के लिए अलग सी जगह थी, गेट भी ऐसे ऑटोमेटिकली खुल रहा था, बहुत मज़ा आया मुझे तो। और ये देखे हमारे पुराने पड़ोसी जिनका दिल ही नहीं लगा कहीं और, वो वापसी आ गए फ्लोर पे, तो बस हम भी पहुँच गए अब घर। और घर पहुँच बाय 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 कहाँ गया केला? और तुम यहीं पे बैठे भी हो, कैसी लड़की हो तुम? और भाई भी वैसे ही। ये देखिए लाइट जाने के बाद के मसरूफियात, तो यहाँ हफ्सा बाहर गई हुई है। और ये कौन है जो चिड़िया बना हुआ है? दिखे 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 दिखे। कौन है? अरे ये तो मोटी वाली चिड़िया है, चूचू बोल के दिखाओ, जल्दी बोल के दिखाओ। तू 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 सब चिड़िया बनाओ करती। वाओ ये देखे चिड़िया उड़ा रही है, वाओ वाओ क्या उड़ रही है। हाँ मेरी सोनू मेरी मोटो हाइडी मेरी मोटो 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 है ना, है मोटो तुम मेरी मोटो। हाँ? पूरी येलो आ रही हो तुम, पता नहीं कैसे ये मोबाइल की लाइट की वजह कर दांत वांत सब येलो आ रहे हैं। बताओ गंदी एकदम कितनी गंदी लग रही है, बताओ तो तुम किसकी मोटो हो? मेरी है भाई की। हाँ अल्ले मेले जान कैसे मेरी दिल बना है, ये देखो यू दिल बन गया। वाह कितना प्यारा, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी तो बस मैंने बना लिए थे आलू चावल। और फिर हम आज जब फारिग हुआ तो हमारे बोला नहीं चलो मैं कुछ ले आता हूँ, तो बस ये बच्चों की फरमाइश पे आ गया चिकन ब्रोस्ट, और साथ में है हफ्सा की फरमाइश पे सोडा। तो बस हम आज ये सब ले के आ चुका, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने अच्छे से खा लिया। असल में देखे मुझे एक तो है हाइट फोबिया, तो मगर फिर इस रूट पे जाने के लिए मुझे ब्रिज पे चढ़ना था वापसी आने के लिए, वो मैं चढ़ी और आपने देखा ही वीडियो में कितनी डर रही हूँ। और फिर बस से उतर के बिना पूरी एक गली चलनी थी, तो वो एक गली चल के क्लिनिक गई और फिर वापसी भी आई, तो इसीलिए मैं बहुत थक गई थी। खैर हफ्सा खुश है तो हम सब खुश हैं, तो बस बहुत मुझे खुशी हुई कि हफ्सा खुश हो गई। अभी देखें रात के 12:30 बजे हम टाइम मिला है, 1:30 बजे सब सोने जा रहे। अब मैं दवा निकाल के देखूं तो ये है मेरी ताकत की दवा, और ये है मेरी दवा, ये है मेरी ताकत की दवा, और ये है मेरी दवा। ये मेरी, हाँ मेरी मतलब ये सिर्फ ताकत के लिए है और ये पूरे मसले मसाइल का ये दवा है। और ये इसमें से ये किसका दवा है? पट्टी देनी पड़ेगी पट्टी में, मरियम की दवा, मरियम लिखा हुआ भी है, मैं ही पागल हूँ, मैं सबको ये है हफ्सा की दवा। मगर हफ्सा क्योंकि अभी तक अपने गले की दवा ही नहीं खा के खत्म की है, वो पाउडर वाला सिरप
मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वो। अच्छा दवा ना, दवा तुमको क्या अच्छा देगा है, ब्रांडेड। ये देखिए मेरा 3 किलो वजन बढ़ा है, जब मेरे तबीयत खराब हुई थी तब मेरा 20 था और अब 23 हो गया। हाँ ना दिखाया, तो बस ये सबकी दवा आ गई और पैसे बच के बिल्कुल भी नहीं आए, सारे पैसे खत्म। देखेंगे पैसे खत्म। और इसमें ग्रीन बस के ये रेड बस की पर्चियां हैं रखी हुई, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ हमारे पास कितनी पर्चियां हैं। ये है रेड बस की पर्ची और ये है R3। ये R3 पे हम बैठ के गए थे और जाते वक्त हफ्सा की टिकट भी लिया और हमारी टिकट भी, मेरी भी टिकट लिया और टोकन एक ही दिया। मैंने जब बोला कहता अरे नहीं दे कोई बात नहीं है ना, मैं हूँ ना, मैं बोली अगर चक्कर आया तो, कहता नहीं चक्कर आ गया तो मैं कौन सा बस छोड़ के भाग रहा हूँ। तो देख लें वजीर साहब और मुस्तकीम साहब सारे लोग देख लें कि आपके कंडक्टर ये चिटिंग कर रहे हैं, तो वो जो 50 रुपीज़ है ना हफ्सा वाले, वो उन्होंने अपने पॉकेट में डाल लिए और मेरे वाले के टिकट दे दिए। इससे पहले भी अभी 2-3 दिन पहले मैं जब गई थी, 3-4 दिन पहले बोल्डन, उस दिन भी यही किया कि हम 3 लेडीज़ एक रो में बैठे हुए थे और हम तीनों ने इकट्ठे टिकट दिया, पैसे दिए और टिकट हम तीनों में से किसी को भी नहीं दिया है ना। तो कोई बात नहीं ऐसे बोल रहा था, कोई बात नहीं है ना मुझे याद रहेगा, तो ये याद रहने के लिए आपने टिकट निकलवाया है। ज़रा अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो गौर फरमाए इस पर। ये देखे पर्स में से ढूंढ के मैंने निकाल लिया, तो ये 4 टिकट 4 के पैसे लेके ये 3 टिकट हमें मिले, जाते वक्त एक और आते वक्त तो सही दिया उसने 2। तो बस ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी और बस रात हो गई है, तो सब मिल के बोल दो बाय बाय, शब बखैर बोलो, बाय बाय मरियम बोलो, शब बखैर। आवाज नहीं आती है तुम्हारी है? क्या बोल रही हो? शब बखैर बोलो, शब बखैर। हाँ हफ्सा ने बोल दिया है शब बखैर, मेरी तरफ से भी अल्लाह हाफिज़, शब बखैर, लाइक ऑफ।